आइए, संगीतांजलि म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं अभ्यास नंबर 2 रखने जा रहा हूं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए है, जो अभी सीखना शुरू किए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर अलंकार मैं पहले रखा था, अलंकार प्रैक्टिस नंबर 1, इस तरह करके है उसका टाइटल, अलंकार प्रैक्टिस नंबर 1, स्लो मीडियम एंड फास्ट, 3 वीडियो मैं रखा था। और मुझे बहुत से लोगों का कमेंट्स भी आया और लोगों ने बहुत ही पसंद किया उसे। तो कुछ एक स्टूडेंट्स ये भी पूछे हैं कि इसके बाद मैं क्या करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसका बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैं एक एक घंटा दो दो घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप दो दो घंटा तीन तीन घंटा प्रैक्टिस करें, तो मैं समझता हूँ कि जिस स्टेप से आप जा रहे हैं और जिस स्टेप से मैं आपको टास्क दे रहा हूँ यूट्यूब पर, अगर आप उस तरह से भी सीखेंगे तो एक दिन आप बहुत अच्छा गा सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं दूसरा अलंकार देने जा रहा हूँ। तो इसका प्रैक्टिस ठीक उसी तरह मैं इसका भी स्लो मीडियम और फास्ट 3 वीडियो मैं रखने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुने, अच्छा से प्रैक्टिस करें इसका और आगे बढ़ें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को जो भी सुनते हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं, वो जो भी आप सीखते हैं उसे अच्छी तरह तैयारी करके आगे बढ़ें। जो पहले नंबर का जो कुछ आप सीख रहे हैं उसकी अच्छी तैयारी हो आपके गले में, तब फिर आगे बढ़ें, है ना। खाली किसी भी चीज़ को जमा कर लेने से वो गायकी नहीं बनेगी, क्योंकि गायकी प्रैक्टिस से होती है। ठीक है ना, ये तो डायरेक्शन है, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि अगर आप इस तरह से स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं और सही में आप सीरियस हैं, तो आप मेरे प्राइवेट लिंक्स को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर के सारे राग अलंकार के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और फर्स्ट ईयर के से लेकर के प्रवीण तक के राग, मतलब मास्टर डिग्री तक के राग को मैं रखा हूँ प्राइवेट में, जो कि पेड सेशन है, जो आप सीख सकते हैं पे करके। जैसे आप एक टीचर को पे करते हैं, उसी तरह आप इसे पे कर सकते हैं। हर एक राग का, हर एक टेक्निक्स का जो है उसमें प्राइवेट लिंक्स हैं। अगर आप मेरे से जुड़ जाएं तो आप वो प्राइवेट लिंक्स को भी ले सकते हैं और आप सीख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ आप दूसरे जगह हज़ारों पे करते हैं, शायद यहाँ पर आपको बहुत ही कम, उससे कम पे करके जो है आप उसे सीख सकते हैं और आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। आप अपने जो सीखते हैं उसे गा करके आप मुझे वीडियो भी भेज सकते हैं और मैं उसे सुनकर आपको फिर उसका आंसर भी कर सकता हूँ कि आप क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और उन सभी लोगों से जो सामर्थ्य हैं, जिन जो पे कर सकते हैं, वो इन चैनल पर भी, जो वीडियो चैनल पर आप सीख रहे हैं, जो कुछ मैं फ्री आपको दे रहा हूँ यूट्यूब पर, उसके लिए भी आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी समझते हैं कि ये एक टीचर के लिए एक रोजी रोटी है। मैं सिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, असल मेरे ये यूट्यूब पर डालने का मकसद जो है वो ये है कि जो बच्चे और जो लोग अपॉर्चुनिटी जिनके पास नहीं है, जिनके आसपास में टीचर नहीं है, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ से भी सीख सके। मैं समझता हूँ हर बच्चे, हर लोगों को, सभी लोगों को अधिकार है सीखने का, और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकूँ। इसीलिए मैं ये वीडियोस इस पर आपको दे रहा हूँ, ताकि उन लोगों को भी सीखने में मदद मिले
जो पे नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, परंतु मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को, तो प्लीज फ्री ना सीखें। क्योंकि जब आप फ्री सीखने लगेंगे, ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे आरक्षण का, जो आरक्षण की जो समस्या है हमारे यहाँ, ठीक वही समस्या हो जाएगी कि आप पे कर सकते हैं तब भी आप फ्री में सीखे जा रहे हैं, आप कुछ पे नहीं कर रहे हैं। और जो पे नहीं कर पाते हैं वो सीखने से वंचित रह जाएंगे, या आप ऐसा कहें कि मैं उसके लिए भी वीडियो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मुझे भी तो खर्च चाहिए वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। अगर सभी लोगों को मैं फ्री सिखाना शुरू कर दूं तो मेरे घर में भी रोजी रोटी रोटी नहीं चलेगी, है ना, आप ये समझ सकते हैं। और सबसे उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि सीखने का काम कभी भी फ्री नहीं करना चाहिए। कहते हैं विद्या दान कभी भी फ्री नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं अपना कर्तव्य तो करता जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर आप पे कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही सही आप सपोर्ट करें। आप जब चैनल खोलते हैं तो उसमें एक सपोर्ट बटन आता है, सपोर्ट दिस चैनल करके, आप उसे सपोर्ट बटन को दबा करके आप पे कर सकते हैं जो पे करना चाहें। आप अधिक पे कर सकते हैं तो अधिक पे करें, कम पे कर सकते हैं तो कम पे करें, परंतु करें ज़रूर। उससे दो बातें होती है, एक तो मुझे भी उत्साह बढ़ता है कि चलो लोगों का सपोर्ट है तो क्यों ना लोगों को दिया जाए, और दूसरा उन गरीब बच्चों को भी सारे मटेरियल्स मिलेंगे जो सीखना तो चाहते हैं परंतु उनके पास कुछ पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो वो भी सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए आइए, मैं बहुत समय ले लिया आपका, आप समझदार हैं, आप जो है सो सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें चैनल को, और जितना सीख सकें मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। आइए मैं दूसरे अलंकार को शुरू करने जा रहा हूँ, और ये स्लो स्पीड में शुरू करने जा रहा हूँ, आप इसे खूब अच्छा से सुने और धीरे धीरे मेरे साथ प्रैक्टिस करें। इस अलंकार में तीन तीन नोट्स हम लेते हैं, तीन नोट जाते हैं, फिर एक नोट पीछे से तीन नोट लेते हैं, फिर एक नोट पीछे से तीन नोट लेते हैं, इस तरह से ये अलंकार का पैटर्न है। तो आइए मैं अब जो गाने जा रहा हूँ इसके साथ आप गाएं, एक बार मैं गाऊंगा एक बार आप गाएं, इस तरह करते हैं। सारे ग सारे ग रे ग मा रे ग मा ग मा प ग मा प ध मा प ध प ध नि प ध नि ध नि सा ध नि सा सा नि ध सा नि ध नि ध प नि ध प ध प मा ध प मा प मा ग प मा ग मा ग रे मा ग रे ग रे सा ग रे सा रे ग सा रे ग रे ग मा रे
Ma
गे मा गे गे सा गे सा।